आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हमने जो ग्रेवी वाली फ़िश है बहुत कम दिखाई है, क्योंकि पर्सनली मुझे इतना मज़ा नहीं आता ग्रेवी वाली फ़िश खा के। मैं फ्राइड स्नैक्स वाला फ़िश की आइटम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये ऐसी फ़िश है इसको मैं दोबारा आके खाना पसंद करूँगा। हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ, हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, जो अपने लजीज खाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हाँ, आपने लखनऊ के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कबाब और बिरयानी, जी हाँ, ये ऐसी दो चीज़ें हैं आपने लखनऊ के फूड वीडियोस देखे हों और ऐसा कुछ ना देखा हो। लेकिन हम आपके लिए कुछ हटके लाए हैं लखनऊ से। जी हाँ, हम एक ऐसी दुकान पे पहुँचे हैं जो है 100 साल से ये काम कर रहे हैं। तो ना हम आपको कबाब दिखा रहे हैं और ना हम आपको बिरयानी दिखा रहे हैं। जी हाँ, सर्दियों का मौसम है और हम दिल्ली वाले नॉर्थ इंडियंस फिश की तरफ दौड़ते हैं, तो हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं लखनऊ में शानदार इतना पुराना आउटलेट मच्छी का। तो लीजिए, हम आए हैं चटपटी फिश हाउस। जी हाँ, और हम हैं इस वक्त लखनऊ के चार बाग में और यहीं से थोड़ी दूरी पे हमारा होटल है जो हमने बुक किया है। और यहाँ मेरी नज़र बड़ी देर से थी और मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था, काफ़ी लोगों से पूछ रहा था कि कुछ नया ढूंढ के लाया जाए। लोकेशन समझाता हूँ कि यहाँ से चार बाग मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सामने है होटल सूर्य दर्शन इन, बिल्कुल उसके सामने है चटपटी फिश हाउस। तो देखिए, मुर्गे टंगे हुए हैं, फिश टंगी हुई है, नॉनवेज सजा हुआ है, लेकिन हम दुकान का नाम ही फ़िश के ऊपर है, तो यहाँ हम दो तीन तरीके की फ़िश ट्राई करेंगे। और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है भाई, काफ़ी टाइम हो गया, अब सर्दियाँ आ गई हैं, लखनऊ की फ़िश ट्राई की जाए। चटपटी फिश कॉर्नर से वीर जी, अपना नाम क्या है? रमनदीप सिंह। और रमन जी, इस दुकान को कितना टाइम हो गया? नियर अबाउट 100 ईयर्स होने जा रहे हैं। 100 साल हो गया, मतलब। और आप कौन सी जनरेशन है इस काम में? फोर्थ जनरेशन। वाह जी वाह। और कहाँ से ये काम शुरू हुआ था, मतलब आपके ग्रैंड फादर ने शुरू किया था, तो कैसे शुरू किया था? रेड़ी वगैरह थी उस वक्त या कैसे था ये? नहीं, रेड़ी तो नहीं थी, शॉप थी, मतलब इस तरीके की नहीं थी उस समय, तंबू वगैरह टेंट वगैरह लगा के उस टाइप से था। और आपके पास कितने टाइप की फ़िश मिल जाती है? करेंटली तो हम लोग तीन तरह की रख रहे हैं, वैसे हम लोग प्रॉन्स भी रखते हैं, पॉम्फ्लेट भी रखते हैं सी फूड में। और ये सर्दियों में रहती है, पूरे साल रहती है? पूरे साल रहती है। और फिश कौन कौन सी रहती है आपकी, क्या नाम रहता है फिश का जो आप यूज़ करते हैं? पड़न, सॉल, टेंगन। और पूरे साल रहती है। और थोड़ा रेट्स का आइडिया बताइए, कैसे क्या रेट रहता है थोड़ा बहुत? टेंगन है हमारे यहाँ 945 रुपये किलो। अच्छा। पड़न है 735 रुपये किलो। रोहू है आपकी 735 रुपये किलो। अच्छा। पड़न जब बोन लेंगे वो 630 रुपये किलो है। और ये दुकान के टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपकी? हम लोग दोपहर में 1:30 बजे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और रात में 11 बजे तक। 11 बजे किसी दिन को छुट्टी वगैरह भी करते हैं? ट्यूसडे को छुट्टी रहती है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। तो लीजिए, हमारे लिए फ़िश सजती हुई, ये है अफ़गानी फ़िश। जी हाँ, मैंने अफ़गानी फ़िश कभी नहीं खाई, हम तंदूरी फ़िश में जो मैरिनेशन रहती है वही है, लेकिन ये अफ़गानी फ़िश आज ट्राई करने वाला हूँ मैं। तो पीस के साइजेस बढ़िया हैं। ओ वाह जी वाह। तो ये जा रही है तंदूर में, ये गया जी तंदूर में फ़िश। और दूसरे लिए हमारे लिए फ्राइड फ़िश भी तैयार है, तीसरी हम अपने लिए ग्रेवी फ़िश तैयार करवाने वाले हैं यहाँ। तो लीजिए, इस वक्त फ़िश करी हमारे लिए लगती हुई। शेफ़, इसमें जो फ़िश यूज़ की जाती है करी के अंदर, कौन सी फ़िश यूज़ करते हो आप? पढ़न यूज़ होती है। क्या नाम रहता है? पढ़न। अच्छा जी, ये मतलब नदी वाली मच्छी? हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरी फ्रेश मछली है। हाँ। और हमारे यहाँ 90 साल से ये हमारी चल रही है भैया। अरे वाह जी वाह। लीजिए, देखिए खड़े मसाले में आपको बड़ी इलायची दिख रही होगी। हाँ जी हाँ। वाह जी वाह। तो ये हमने अपने लिए सिर्फ हाफ प्लेट लगवाई है। बिल्कुल सर, ये बोनलेस। हाँ जी हाँ जी, मज़ा आ जाएगा खा के आपको। अच्छा। तो यहाँ पे बेसिक सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे भी सिटिंग है, ऊपर थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़ के जाएंगे, एक सिटिंग स्पेस ऊपर है।
और फिश करी और रुमाली रोटी हमारे टेबल पे सर्व हो गई है और फ्राइड फिश और तंदूरी फिश भी आ रही है। तो लीजिए फिश हमारे टेबल पे सर्व हो गई हैं। कैमरा क्लोज लाइए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये फ्राइड फिश है, ये देखिए पीस देखिए। ओए होए होए, अभी आपको इसको फ्राई होता हुए भी दिखाया है। बराबर में देखिए अफगानी फिश, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अफगानी चिकन बहुत बार खाया, फिश देखते हैं फिश में कैसा मज़ा आता है। और ये देखिए जो मुझे शो स्टॉपर लग रहा है, ग्रेवी वाला इनका फिश करी। वाह, ग्रेवी देखिए, रूप देखिए, रंग देखिए, क्या नज़ाकत है इसकी ग्रेवी की। वाह 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 वाह। और ये मैं जितनी चीज़ें खा रहा हूँ इनके रेट्स मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगा। और वैसे भी अगर हम इसको दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो रेट बहुत ही रिजनेबल है फ़िश की। तो सबसे पहले क्या खाया जाए, सबसे पहले खाते हैं अफगानी फिश, क्योंकि ये कभी भी नहीं खाई मैंने। ये देखिए, वाह, अगर टेस्ट की बात करूं, बिल्कुल जैसे हम चिकन टिक्का खाते हैं सेम वही फ्लेवर्स हैं। बस ये है कि चिकन टिक्का खाते हैं तो आपको अपने दांतों के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, यहाँ पर रखते ही घुल गई। फ्लेवर्स बिल्कुल वैसे ही हैं, जो सोने पे सुहागे वाला काम कर रहा है वो चाट मसाला कर रहा है, और जिंजर गार्लिक का बढ़िया फ्लेवर है। तो ये टिक्का अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी क्लोज जैसे हम रोस्टेड अफगानी चिकन खाते हैं वैसा ही है। फ्राइड फिश ट्राई करते हैं, तो फ्राइड फिश देखते हैं। ये लगाते हैं चटनी के साथ, इनकी चटनी भी काफ़ी अलग सी लग रही है। वाह, चटनी तेज है। और चटनी पता कैसी है, जैसे हमारे दिल्ली में राम लड्डू के साथ चटनी मिलती है ना, तीखी सी चटनी, वैसी चटनी है। और फिश लाजवाब है, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही है। साथ में हल्का सी फिश के ऊपर लगाइए चटनी, लगाइए थोड़ा सा प्याज, और ये लीजिए। तो हमने आपको ये कढ़ाई में तैयार होते हुए दिखाया था, ये देखिए। ये ट्राई करते हैं, पहले बिना रोटी के देखते हैं कैसी इसका ग्रेवी है, कैसा टेस्ट आता है। ये देखिए ग्रेवी देखिए, साथ में फिश देखिए। ओए होए होए होए, नज़ारे। तो मैं आपको बता दूं, जनरली आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हमने जो ग्रेवी वाली फ़िश है बहुत कम दिखाई है, क्योंकि पर्सनली मुझे इतना मज़ा नहीं आता ग्रेवी वाली फ़िश खा के। मैं फ्राइड स्नैक्स वाला फ़िश की आइटम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये ऐसी फ़िश है इसको मैं दोबारा आके खाना पसंद करूँगा। काफ़ी ग्रेवी बहुत ही फ्लेवरफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गाढ़ी भी है, और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं या कम मिर्चें हैं, फ्लेवरफुल है। छोटा बच्चा हो, बड़े बुज़ुर्ग हों, मेरी उम्र का हो, उनको सबको ये पसंद आएगा। तो ये मैं रोटी के साथ लगा के देखता हूँ, रुमाली रोटी के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है। थोड़ा सा ये लगाया, हल्का सा प्याज लगाते हैं, ज़रा सी चटनी टच करते हैं। अब ये बढ़िया बाइट तैयार हो गई मेरी। वाह, सही में मज़ा आ गया। वाह जी वाह। तो अभी तो हम लखनऊ आए हैं, अभी तो हमने यहाँ के आपको लजीज खाने दिखाने शुरू करे हैं, तो हमारे से जुड़े रहिए और भी लखनऊ के शानदार वेज और नॉन वेज दोनों लजीज लजीज खाने आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।